हम कह देंगे जी मैंने इतने गाल डील कर लिए दुकानदारी में, तिजारत में, कारोबार में, लेकिन पाक परवरदिगार का तो हुक्म ये है कि वमय फअल ज़ालिक, अगर तुमने ऐसा कर लिया फौलाइक हुमुल खासिरून, बहुत बड़े खसारे वाला काम किया, बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया। हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर शख्सियत गुजरे, फरमाते एक दफा कोई मेहमान मेरे हाथ आ गया, इशा की नमाज का वक्त था, उसकी खातिरदारी करते हुए, मेजबानी मेहमानी करते हुए जमात की नमाज मेरी रह गई। मस्जिद में पहुंचा तो जमात हो चुकी थी, दुआ भी हो चुकी थी, फरमा दिल को बड़ा अफसोस हुआ। और फिर चूंकि ये वो लोग थे जो नमाज की अहमियत को समझते थे और उन्हें फिक्र थी कि मैंने कितना खसारा उठाया, फरमाते मैंने फरमाने नबूवत पे गौर किया तो मुझे रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मिला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकेले नमाज से बाद जमात नमाज 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। दिल में कहा चलो नमाज रह गई है, इसी एक इशा की नमाज को 27 मरतबा पढ़ लेता हूँ तो 27 का सवाब मिल जाए। फरमाते मैंने इसी तरह किया, मैंने उसी इशा की नमाज को एक मरतबा नहीं दो नहीं 27 मरतबा पढ़ा। फरमाते घर आ गया, बिस्तर पे दराज हुआ, नींद ने आ लिया, नींद की आगोश में जाने के बाद ख्वाब देखता हूँ कि चंद घोड़सवार लोग हैं, मुझे कहते हैं आओ ना जिहाद के लिए चले, तुम भी अपना घोड़ा निकालो हम भी चल रहे हैं। फरमाते जब वो अपने घोड़ों पे बैठे उनके घोड़े सरपट दौड़ने लगे, मैं जिस घोड़े पे बैठा फरमा वो उनको मिल ना सके, उनकी राह गुबार तक ना पहुंच सके। उनमें से एक ने आवाज दी उबैदुल्लाह तू हमें कभी नहीं मिल सकता क्योंकि हमने बाजमात नमाज इशा पढ़ी थी और तेरी बाजमात रह गई थी। हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर फरमाते बस ये ख्वाब में मामला मुझे समझा दिया गया कि अगर इंसान एक ही तर्क होने वाली बाजमात नमाज को फरमाते 27 मरतबा लौटाए तो फिर भी उस एक बाजमात नमाज का सवाब नहीं पा सकता क्योंकि अल्लाह रब्बे जलाल ने जो अजर सवाब बाजमात नमाज का मुअय्यन इमाम के पीछे रखा फरमाते वो इतना आला उतरफा है कि मुझे खुद पाक करीम ने ये ख्वाब के जरिए जुमला सिखा दिया कि ऐ उबैदुल्लाह बिन उमर अब तू चाहे 27 क्या 2700 बार भी नमाज को लौटाए, फरमा जो तेरा खसारा होना था वो तो हो गया, खसारे का ऐलान कुरान करीम में हुआ है, फरमा उसकी कमी फिर कभी पूरी नहीं हो सकती। बिरादरान इस्लाम सोचिए कुरान करीम हमें तफक्कुर तदब्बुर की दावत दे रहा है, एक है नमाज का सिरे से अदा न करना, एक है नमाज तो पढ़ना लेकिन जमात को तर्क कर देना, तो जमात को तर्क कर देना ये कितनी बड़ी अजीम वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने ये चीजें बयान फरमाई और रब्बे के नाथ ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक व युदउना इला सुजूद फला यस्तयून, कयामत का दिन होगा, महशर बपा होगा, दुनिया में जिन्होंने सजदा रब को नहीं किया होगा, जिन्हें नमाजें न पढ़ी होगी या पढ़ी तो है बाजमात न पढ़ी होगी। इस आज के जिक्र में इमाम कुर्तुबी लिखते हैं और हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत की तफसील में, फरमाते वो कयामत का दिन उस दिन लोग निदामत में जिल्लत में डूबे हुए होंगे, बिलखुसूस कौन से लोग, फरमा हुक्म होगा आज मुझे सजदा किया जाए, यौम युक्शफु अन साकिम व युदउना इला सुजूद फला यस्तयून। अल्लाह फरमाता है उस दिन फिर जिन्होंने दुनिया में रब को सजदा न किया या जमातें जमात के साथ नमाज को तर्क कर दिया जानबूझकर बिला किसी उज्र के, उस वक्त फला यस्तयून झुक नहीं सकेंगे अल्लाह की हुजूर, फला यस्तयून खाशियतन अबसारुहुम तरहफुहुम जिल्ला। अल्लाह रब्बे जलाल जल्लमतहुल करीम ने अपने पाक हबीब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता फरमा आला दीन है, ये जामे दीन है, इसीलिए रब चाहता यह है कि दीन के अंदर नमाज भी
जामे तरीके से जिन जमात की सुन्नत में अदा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा भेड़िया उसी बकरी को खाता है ना जो रेवड़ से अलग हो जाए। फरमाया शैतान उस बंदे को बहुत जल्दी अपने चंगुल में फंसा लेता है जो इंसान जमात को तर्क कर दे, यानी जमात के अलावा बंदा नमाज अकेला तन्हाई में पढ़ना शुरू कर दे। फरमाया शैतान उस बंदे को अपना निशाना बहुत जल्द बनाता है। शारे बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूल कैलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब शैतान किसी पर अपना कब्जा जमा ले, फरमाया शैतान जिस वक्त बंदे पर कब्जा जमा लेता है तो उसका वार इतना खतरनाक होता है, रब चाहे तो बंदे की मदद फरमा ले वरना इतना बड़ा जालिम है कि हमेशा बंदे को फिर नाकामी की तरफ ही ले जाता है। मेरे पाक कभी मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू दर्द रजी अल्लाह अन्हु आप हदीस रिवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा इन्नल मसाजिद बुयूतुल मुत्तकीन, मस्जिदें जो हैं ये मुत्तकियों के घर हैं। सदा दे ना जी जल्दी जल्दी जमात होनी चाहिए तो लेट ही ना हो जे एक दो मिनट हो ही गया तो जनाब फिर क़यामत बरपा होती है। इन्नल मसाजिद बुयूतुल मुत्तकीन, अबू दर्दा अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, औलाद की तरबियत क्या कर रहे हैं, कहते हैं बेटे अगर तुम्हारे पास फारिग वक्त हो यानी तुम्हारी कोई मसरूफियत ना हो तो फारिग वक्त अपना अपने घर में मत गुजारना। इन्नल मसाजिद बुयूतुल मुत्तकीन, मस्जिदें मुत्तकियों के घर हैं, अल्लाह की मस्जिद में तशरीफ ले आओ। फरमा यहाँ पर अपना वक्त गुजारना, यहाँ खाली बैठ जाना भी अल्लाह के नज़दीक बंदे के लिए जरिया निजात बन जाता है, जरिया बख्शिश बन जाता है। एक हदीस के अल्फाज है करीम कैलाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा अल मुमिनु फिल मस्जिद कसमा की फिल माल, मोमिन मस्जिद में ऐसे है जैसे मछली पानी। फरमा जिस तरह मछली पुरसकून होता है पानी में, सुरूर आता है उस मस्जिद और मस्जिद के अंदर उस पानी के अंदर मछली को, मोमिन जो ही अल्लाह के घर में कदम रखता है वो पहला कदम दाया कदम रखता है, पढ़ता बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्म अग़फिरली ज़ुनूबी अल्लाहुम्म अफ़्तह्ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ है। आमतौर पर शॉर्टकट दुआ तमाम नमाज़ी को शायद याद होगी अल्लाहुम्म अफ़्तह्ली अबवाब रहमतिक, मैं सही मुस्लिम से ये दुआ पढ़ रहा हूँ। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा जो ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल, इधर नाम अल्लाह का लिया फिर दरूद व सलाम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार हुजूर की बारगाह में पेश किया, फिर अपने लिए मगफिरत चाही अल्लाहुम मगफिरली ज़ुनूबी, मालिक आया है गुनाहगार बंदा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मैं आया ही बख्शिश की खैरात लेने को, अल्लाहुम अफ़्तह्ली अबवाब रहमतिक अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। दरवाजा खोल दे नहीं कहा, एक है बाब एक है अबवाब, अल्लाहुम्म अफ़्तह्ली अबवाब रहमत, मालिक मेरे लिए रहमत का दरवाजा नहीं बल्कि कई रहमतों के दरवाजे खोल दे। अरे अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, हर साल जब किसी दरवाजे पे जाता है भीख उसको अगला अपनी इस्तेआत के मुताबिक देता है, यहाँ करीम रब के दरवाजे पे आया है तो शान करीमी के मुताबिक खैरात अता करता है। इसलिए पाक महबूब नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम से पूछा मेरे सहाबा जानते हो इस कायनात में सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है, सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाहु व रसूलुल्लाह, ये अदब बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर की बारगाह का अदब है। सहाबा ये नहीं कहते आका आपके सवाल का हम जवाब देते, नहीं अल्लाहु व रसूलुल्लाह सोना रब जाने या उसका मिठा हबीब जाने। फरमा अल्लाह को रसूलु आलम मेरे पाक महबूब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा कायनात का अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो एक नमाज बा जमात पढ़े तो अगली नमाज की फिक्र उसको लाहिक हो जाए कि मैंने अगली भी बा जमात। अच्छा यहाँ पर बड़ा कमाल नुक्ता लिखा अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाते हैं बंदा नमाज पढ़े उसको जमात की तौफीक मिल जाए
फिर अगली नमाज की तौफीक मिल जाए तो पिछले की मकबूलियत पर ये दलील है। फरमा के अगर अगली नमाज भी बाजमात बंदे को मिल जाए तो उम्मीद है उसके करम से कि उसने पिछली कबूल कर ली, तभी अगले के लिए अपने दरवाजे पर फिर बुलाए, उसने फिर हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। ब्रादरा ने सलाम नबी कैनात फकर मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, हदीस के अल्फाज है, फरमा सबसे अहमद और मुफलिस तरीन शख्स कौन है दरबार नबूवत में सहाबा से ये सवाल हुआ। अर्ज करते हैं आका अल्लाह अकबर रसूलु आलम, हुजूर ने फरमाया ये तो बजा फरमा, लेकिन सहाबा कुछ ना कुछ तो बोली, हुजूर की इजाज़त से सहाबा बोले आपका हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो है जिसके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, माल ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दुनिया के मुफलिस की बात नहीं कर रहा, मैं आखिरत के मुफलिस की बात कर रहा हूँ। फरमा आखिरत में सबसे ज्यादा मुफलिस हूँ। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल अल्लाह, नबी कैनात फखर मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स आएगा बहुत बड़ा पक्का नमाजी होगा, दुनिया में उसने हुकूकुल्लाह को बड़ी खुशी से अदा किए होंगे और भाग भाग कर मस्जिद की तरफ आता था, पीछे से रिश्वत भी ली होगी, मुकदमा अल्लाह की अदालत में कयामत में दायर होगा और इधर से किसी के साथ सूद वाला मामला भी किया होगा, और फिर इधर से अब तो मिस्र मशहूर है कि ना जी कि जनाब इधर से सूद पे पैसे भी दिए और हज के लिए भी हज से चले, हज करने के लिए हज के लिए भी चले और इधर से सूद वाला मामला भी किया कि जो मुनाफा मुझे बशक्ल सूद मिला उन्हीं पैसों से उसने हज किया। खालिक लमजल की आवाज आती है जब ये जाके हाजिर देता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब फरमाते हैं अर्शे बरी से सदाए कुदरत आती है ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी नहीं, तेरी कोई हाजिरी नहीं, तेरी कोई हाजिरी नहीं। नबी कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है तू सर पट यहाँ काबे के तवाफ भी करे और जहाँ पर मिला मुज़दलिफा में भी जाए तमाम अरकान हज और हज की मशक्कत भी बर्दाश्त करे, तेरे वजूद पर जो इहराम है वो तो हलाल रिज़्क़ का नहीं, फरमा तू जो खाना खा रहा है वो भी हलाल रिज़्क़ का तो नहीं है, हराम की कमाई से आया, लिहाजा मेरी बारगाह में तेरे न सजदे कबूल है ना तेरा ये रियाजत कबूल है ना तेरी इबादत कबूल है। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात इंसानी की अगर किसी को बादशाहत मिल जाए वो एक पलड़े में रख दे, दूसरी तरफ कहा जाए कि किसी बंदे को तो नमाज के लिए आ जा तो नमाज के लिए आ जाए, फरमा कायनात इंसानी की सारी सल्तनत से बाजमात नमाज की दो रखते इस बंदे के लिए सबसे ज्यादा। नबी मोहतसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला, पहले बात सुनाई मैंने उबैदुल्लाह बिन उमर, अब ये सहाबी रसूल है अब्दुल्लाह बिन उमर, ये शहजादे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला मुराद मुस्तफा के शहजादे, मुरीद मुस्तफा के शहजादे, फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु के शहजादे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं एक दफ़ा बाबा जान मदीना तैयबा के मजाफात में हमारा एक बाग था, आप उस बाग के लिए देखभाल के लिए जैसे इंसान अपने खेतों में जाता है वहाँ तशरीफ ले गए, वापस आए जमात हो गई, फरमाते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला मुझे बुलाया अब्दुल्लाह जल्दी कर आ और मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर ऐलान कर, इसी बाग की वजह से मेरी नमाज जमात के साथ रह गई है लिहाजा मदीना तैयबा के फुकरा और मसाकीन पर पूरा बाग का सबका कर, फरमाया ये पूरा बाग जिसकी वजह से आज मैं गफलत में पड़ा जमात मेरी रह गई। ब्रादरान इस्लाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा जमात को अहमियत दो, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की आदत पाक थी आप मस्जिद पाक में आने वाले नमाजियों की बाद अज नमाज पूछते थे भाई कौन कौन नहीं आए, तो आपके जो निगरान थे वो नाम बताया करते थे। हजरत अबू सुलेमान रजी अल्लाह एक सहाबी का लकब है, वो एक दफ़ा फजर की नमाज में नहीं थे, फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु खुद चले, साहबा किराम में से चंद एक बंदों को साथ लिया, वो भी साथ लिया, घर पे दरवाजे पे जाके दस्तक दी
अम्मा जी ने उनकी वालदा मोहतरमा ने दरवाजा खोला, फारूक आजम रजी अल्लाह अनु की ज़ियारत से माज़ी मुशर्रफ, कहा खैरियत तो है, आज जनाब अबू सुलेमान नमाज के लिए बाजमात नमाज के लिए तशरीफ नहीं ले आए। आपको जिस वक्त जवाब मिला मां का, फरमा सारी रात नफली इबादत करते रहे, जब सुबह सहरी का वक्त हुआ तो नींद रहे मन पर जमात रहे। हजरत अबू सुलेमान की जमात उमर इब्न खत्ताब का तारीखी फतवा फरमा, अगर ईशा की नमाज पढ़कर वो उसी वक्त सो जाते और फजर की नमाज बाजमात आके पढ़ते, मैंने अपने इन दो कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। हुजूर फरमा रहे थे, फरमा जो ईशा भी बाजमात पढ़े फजर भी आकर बाजमात पढ़े, अल्लाह मेरे उस उम्मती को पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा। फरमा ये इतनी बड़ी फजीलत, फरमा वो फजीलत वो सवाब वो अजर तो खो दिया इन्होंने जो बाजमात नमाज का था। फरमा यकीनन वो नवाफिल का दर्जा अलग है, फराइज का दर्जा अलग है। अच्छा, नमाज के अंदर एक आम कोताही ये करते हैं कि हम रकू और सुजूद और क़याम में ख्याल नहीं करते। पिछले दिनों में पीछे नमाज पढ़ी, आप बाप आगे पढ़ रहे थे, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तनकीद की नीयत से नहीं। मैंने काफ़ी अहबाब को देखा कि सजदे में उनके पाँव जो थे वो ठीक थे और कुछ अहबाब ने पाँव पीछे निकाले हुए थे। हालत नमाज में, हालत सजदा में, हालांकि सजदे की कैफियत में ये जो पाँव का अगला हिस्सा है कम अज़ कम इसकी तीन उंगलियाँ तो उस वक्त बिल्कुल ये सजदा रेज हों, काबा रुख हों। आम तौर पर लोग एहतियात नहीं करते, थोड़ी सी बात अवकात थोड़ी सी तकलीफ होती है बात बंदों को, लेकिन इतनी मुशक्कत अगर चंद दिन बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर आदत बन जाएगी, फिर वो पाँव महसूस नहीं करेगा। सलाम के बाद आप ठीक कैफियत में बैठ सकते हैं, लेकिन बिलमूम हम नमाज की चूँकि शौक ही नहीं है मसाइल सीखने का और इस पर कभी निशस्त का तकाजा ही नहीं हुआ, मसाइल नमाज इस कदर अहम है। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने रसालत महाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा एक वक्त आएगा, फरमा लोग 40-40 साल तक नमाजें पढ़ेंगे, एक नमाज भी अल्लाह के यहाँ दर्जा मकबूलियत तक नहीं पहुँचेगी। फरमा अल्लाह के यहाँ दर्जा मकबूलियत तक नहीं पहुँचेगी, वो क्या वजह है कि वो नमाज मसाइल नमाज से आगा ही नहीं होंगे। हुजूर के दरबार में आकर एक आने वाला नमाज अदा करता है, यकीनन जो हुजूर की मजलिस में आया होगा, मैं हक बजाने को ये जुमला कहने में हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी ही होगा ना जो हुजूर की महफिल में आए, सरकार का दीदार फरमाया उसने और उसने आकर दीदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के बाद नमाज शुरू फरमाई, सरकार इस कैफियत को देख रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमा, इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, मियां नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, नमाज दोबारा पढ़। उसने दोबारा जाके नमाज पढ़ी, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमा, इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जाओ दोबारा अपनी नमाज लौटाओ, फ़इन्न कलम तुसल्ले, तुम्हारी नमाज नहीं। उसने दोबारा पढ़ी तीसरी मरतबा, जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सहाबी रो पड़ा, आने वाला इरा भी रो पड़ा, अर्ज करता है फिदा का अभी बहुमी या सैयदी या रसूल अल्लाह, फिर खुद ही समझाए मैं कैसे करूँ, ये तो हजार हाथ दर्जे में कहता हूँ आज के उम्मती से तो उस आने वाले इराबी की नमाज असल बेहतर होगी, क्योंकि हजारों गौस कुतुब अब्दाल अग्यास मकाम अब्दाल कभी वो मकाम पा नहीं सकते जो सहाबी रसूल को अल्लाह करीम ने अता फरमाया, तो सहाबी की नमाज हजार हाथ दर्जे बुलंद होगी, लेकिन कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। कुरान का उसूल तो ये है, माना समझते हैं ना, बेशक नमाज बेहयाई फहाशी से रोकती है, नमाज भी पढ़ रहे हैं गुनाह से भी नहीं रोक रहे तो कोई तो वजह है, कोई तो बात है जिसकी वजह से बुराइयां छूट नहीं रही, नमाज भी आए दिन पढ़ते जा रहे हैं। खालिक कायनात ने जो कलाम में जो जुमला के साथ फरमा, न मालिक की
सदाकत पर कोई कलाम है, ना कुरान करीम की इस आयत पर कोई कलाम है। रब्बे कायनात फरमाता है कि नमाज मेरे जिक्र के लिए कायम करो, और इस आयत पे जो आयत मैंने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें बाद जमात नमाज से गाफिल न रखे। वमन यफअल ज़ालिक, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो औलादुकुमुल खासिरून, बहुत बड़ा खसारा पाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस गुलाम ने अर्ज किया, आका फिर मुझे सिखा दी, मुझे बता दीजिए अब हदीस के अल्फाज क्या। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिखाने के लिए नमाज शुरू फरमाई। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, सरकार ने उसे पढ़कर नमाज का तरीका समझाया। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई वालिदैन ये शिकवा न करें कि मेरी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, वजह यह है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ वालिदैन का, उन्हें पढ़ी होवे तो पुत्र पढ़े, औलाद पढ़े तब जब माँ बाप को देखें, माँ बाप ने कभी पढ़ी नहीं तो औलाद की शिकायत लेकर कैसे कह सकते हैं कि जनाब नमाज नहीं पढ़ते। तो इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा नमाज को अहमियत दो, इन्ना अव्वला मा युहासिबु बिही यौमल क़ियामत अस्सलात। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा क़यामत में आमाल में सबसे पहले जो शय पूछी जाएगी वो तो है नमाज। फिक्र कीती है, बोलो तो सही औलाद को। बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे बच्चे नमाज में आ जाए तो उनको मस्जिद से भगाना नहीं चाहिए, फरमा उनको आदत डालनी चाहिए, समझा के ले आए कि मस्जिद में शोर न करें। अब झट बाद और फतरे ही लग बसन के आज ऐसा बच्चे ले आए सारी नमाज सारी खराब हो, यार बच्चों के आने से नमाज कैसे खराब हो सकती, उनको समझा दिया। हाँ बच्चे की कुछ चीज़ें फितरत हैं, बावजूद रुकने के वो नहीं रुकते। मस्जिद नबी शरीफ में अल्लाह करीम आपको भी ले जाए, मैं भी बात वहाँ बच्चों को रोते देखा, बच्चे रो रहे हैं नमाज इधर से जारी है लेकिन नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है। वहाँ तो कहीं कोई कानून ऐसा नहीं बताया कि बच्चों को निकाल दिया जाए, नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत पाक थी, जिस जमाने में मस्जिद नबी शरीफ में अभी खवातीन पर यानी कि वो भी हुजूर के पीछे नमाजें बाजमात पढ़ने के लिए बापर्दा तरीके से तशरीफ लाया करते तो खवातीन के साथ जो बच्चे होते वो फिर बच्चों अपनी फितरत के मुताबिक रोते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाते कि हुजूर नमाज को मुख्तसर कर देते, फरमाया इनकी वजह से इनकी माओं को कहीं अजियत तो नहीं हो रही। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज को फिर इख्तसार के, अच्छा इख्तिसार का फतवा आए तो बंदे कहते हैं जी सूरत का असर पड़ गया ना, नबी अलैहिस्सलाम की नमाज ने नमाजों की कैफियत देखी जो सरकार ने सूरतें पढ़ी हैं। आज अगर आइम्मा किराम वही सूरतें पढ़ने लग जाए तो मेरा ख्याल है नमाजी ये चंगे ना अद्धे तो ज्यादा मसीहत तो छुट्टी हो बस ये गल है कि नहीं। अक्षंद नाल एडी लंबी सूरत, हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन फजर की नमाज में सूरह हामीम सजदा पढ़ा करते थे एक रकात में, दूसरी रकात में सूरत काफ वल कुरान मजीद पढ़ा करते थे। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फजर की नमाज में सूरह काफ पढ़ी जाए चार रकू है तीन, और इधर से हामीम सजदा उसके भी तीन रकू है, इतनी लंबी सूरतें, ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा से साबित है। बिरादरान इस्लाम लिहाजा चाहिए कि अपनी नमाजें सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करें, फिर मजबूरी है क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना चलो तुम उधर को हवा हो जगह की पिछले नहीं कर दे दस याद है इन्ना आते ना अपने पास। बिरादरान इस्लाम ये नमाजें दुरुस्त करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सला, एक जमाना आएगा कुरान का ये फरमान है लोग अदाउ सला नमाजें ज़ाय कर दें। इस पर तो बहस बड़ी होती है कि जनाब ऐसे करें रफ़ा यदैन के साथ हो या न हो,
लेकिन जमात की अहमियत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाई, फरमा अदाउस सलात वत्तबउ शहवात फसौफ यल्कौना गैया, लोग नमाजें जाय कर देंगे। इस आयत की तफसीर भी पढ़ के देखें, अदाउस सलात से मुफस्सिरीन की एक जमात ने मुराद लिया कि सिरे से लोग बेनमाजी हो जाएंगे, और एक तबका मुफस्सिरीन ने यह लिया कि वो नमाज के मसाइल सीखने की कोशिश न करेंगे, लिहाजा बेदियानी से नमाज पढ़ेंगे। कुरान कहता है बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। ये रिवायत पढ़ रहा हूँ या कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ? कुरान करीम की आयत है, अल्लाह करीम नमाजियों की नमाज को वैल कर रहा है, बर्बादी का हुक्म दे रहा है। खालिक जिसकी नमाज को बर्बादी का हुक्म दे तो उसकी नमाज दुरुस्त कैसे हो सकती है? याद कोशिश कीजिए, नमाज के मसाइल सीखिए, जो मसाइल आते हैं दूसरों को बताने में भी आर ना कीजिए। बंदे कहते हैं जी सफ़ेद रेशी हो आगे और कार्य सब के आग संग जनाब हाले तक नमाज दबा ली, इसमें ज़रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं है शर्म महसूस करने की। बल्कि आप पूछेंगे अल्लाह रब्बे सुल्जलाल भी राजी होगा मदीने का ताजदार। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर पूछने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी, बताने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, नमाजें सही तरीके से अदा करने की और बाद में खुदा करने की।